हम बनाने जा रहे हैं राजगिरे की टिकिया, जिसको देखेंगे कि इसके लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए। जिसमें मैंने एक बाउल राजगिरे का आटा लिया है, आप चाहें तो सिंगारे के आटे का भी, कुट्टू के आटे का भी बना सकती हैं, मिक्स भी कर सकती हैं तीनों आटे। और ये मैंने दो आलू और एक अरबी ली है, और ये मूंगफली दाना मैंने इसको भून के और पीस लिया है छिलके निकाल के। और ये मैंने नमक लिया है व्रत का, जो व्रत में काम आता है सेंधा नमक, वो मैंने एक चम्मच लिया है। और ये आधा चम्मच भुना कुटा जीरा लिया है, और ये मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, धनिया लिया है हरा, और ये दो मिर्ची लगभग बारीक कटी हुई ली है। अब हम इसको, अब ये हम आटे में मिक्स कर लेते पहले। अच्छी तरह से करें इसको, अब इसमें हम सब सामग्री मिला देंगे, पिसी हुई मूंगफली, नमक स्वादानुसार, जीरा पाउडर भुना हुआ, लाल मिर्ची पाउडर। आप मिर्ची अपने आवश्यकता अनुसार मिला सकते हैं, कम या ज़्यादा, या हरा धनिया मिला दें, हरी मिर्ची मिला दें। यहाँ हम दो चम्मच तेल डाल रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी से इसको डालेंगे, पानी को। देखिए पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही बन गया है डो, एक डो तैयार कर लेंगे इससे। अच्छे से अब इसके हम आठ हिस्से कर लेते हैं, आठ दस हिस्से हो जाएंगे इसके। ये देखिए इतने बड़े बड़े लोई हो गई हैं इसकी, आठ एक लोई बना ली हमने, तवा हमने गरम करने रख दिया है। अब इसके हम टिक्की तैयार कर लेंगे। देखिए तवा गरम हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे। टिक्की डालते जाएंगे, और फ्लेम कम कर दें। तो देखिए ये सब इस तरह से रख दें, और इसके ऊपर भी हम आसपास तेल डाल देंगे इसके। इसको पलट देंगे, देखिए इस तरह से सिक गया। इसको हल्के हाथ से दबाते भी जाएं टिक्की को, ताकि ये अच्छे से सिक जाए चारों तरफ से। ये बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरी लगती है। नौ दुर्गे हैं, तरह तरह के फलार बना के खाएं। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें इसको, हल्के हाथ से दबा से दी जाए। ये देखिए राजगिरे की टिक्कियां सिक गई हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये राजगिरह की टिकिया बन चुकी हैं। आप खाइए, खिलाइए और मौज मनाइए।